ओपन रहता है, इसका ओपन रहता है, ये यही पे आजाद रहती है। आओ यहाँ आओ, बहुत डर रहे हैं, बहुत क्यूट है। लड़ना नहीं, लड़े तो जूते पड़ने। चलो अंदर चलो। अबे यार ये बहुत एक्साइटेड हुई है। चलो अंदर चलो। बाहर वो जिनका बच्चा खड़ा है वो दिखा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ असद भरोही और असद भरोही व्लॉग्स में खुशामदीद। फ्रेंड्स आज मेरे पास कुछ न्यू गेस्ट आए हैं, तो उन गेस्ट को जाकर अंदर शिफ्ट करूँगा अपने फार्म में। गेस्ट तो आपको पता है मेरे पास पेट्स आते हैं, तो डॉग्स होते हैं हमेशा। तो मैं आज गया था मार्केट, मुझे कुछ और चीज़ें पसंद आई, ये आप देख सकते हैं। खोल के दिखाता हूँ फिर आपको मैं। ये देखें, ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो ये आए हैं और एक रशियन की फ़ीमेल है, तो ये मेरे पास आई हैं। तो चलें इनको अंदर शिफ्ट करते हैं। और शिफ्ट करके पहले तो मैं इनके लिए परेशान हूँ कि इनके लिए जगह कौन सी बनाऊँ, और ये जाकर अंदर डॉग्स से डरेंगे, तो इनके लिए अलग कोई जगह देखनी पड़ेगी मुझे। तो चले चल के देखते हैं कि इनके लिए कोई जगह बनती भी है कि नहीं। चले जी, तो चलें चल के देखते हैं कि इनके लिए कोई जगह बनती है कि नहीं। ये जो है डॉग्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और इनकी एक अलग ब्रीड है, ये हैमस्टर है, तो हैमस्टर्स को अलग ही रखना चाहिए। अब जब मैं इनको केनल में लेके जाऊंगा तो ये शायद उनके शोर से ही डर जाएं, तो उनकी कहीं और जगह बनाऊंगा। पहले मैं देखता हूँ कि कहीं यहाँ एडजस्ट हो जाएं केनल में। ये तो स्वागत करने के लिए बैठा होता है ना सबसे पहले। अच्छा ये केनल है, और केनल के बाद ये सारे स्वागत कर रहे हैं इनका। अच्छा उस फीमेल के लिए तो ये जगह खाली है, ठीक है, जो फीमेल आई है उसको मैं शिफ्ट करता हूँ। ये जगह खाली है, बाकी केज तो कुछ खाली है मेरे पास। अब इनको हैमस्टर्स को कहाँ सेट करें ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ ओपन एरिया है, यहाँ पर इनको जो है ना कव्वे भी तंग कर सकते हैं ना, तो डरेंगे भी ना। चलो ऐसा करते हैं वहाँ जाते हैं, दरवाज़ा खोलना है। तो ऐसा करते हैं कि सामने वाली जगह पर जाते हैं, यहाँ पर ये डर सकते हैं ना। तो यहाँ भी असल में मैंने ब्रीड के लिए फीमेल छोड़ी दी है, ये केज है, इस केज में मैंने फीमेल छोड़ी हुई है ब्रीड के लिए, ये है, ठीक है। तो यहाँ एरिया ये अच्छा है, ये एरिया अच्छा है, और यहाँ पर सेट रहेंगे, ये एरिया अच्छा है। तो इसको मैं यहीं इनको एडजस्ट करता हूँ। अच्छा वो फीमेल कहाँ है भाई दूसरी? ये यहाँ पर मैंने ब्रीड के लिए छोड़ी हुई है, ये एरिया असल में मैंने ब्रीड के लिए रखा हुआ है। तो हैमस्टर की यहाँ पर कहीं पे सेटिंग करता हूँ। तो फ्रेंड्स पहले सेटिंग करते हैं, सेटिंग करने के बाद बात करते हैं। फ्रेंड्स पहले तो मैं आपको ये निकाल के दिखाऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगे। आपने शायद मेरी टिकटॉक पे वीडियो देखी हो पहले, कि उसमें मैंने एक लॉन्ग कोट का मेल हैमस्टर का पकड़ा हुआ था, तो ये उसी के बच्चे हैं। उनको मैंने बोला था कि यार उसके बच्चे जब मदर फीड सेट है तो दे देना मुझे, तो ये मैं उनके बच्चे लेकर आया हूँ अपने पास। अब थोड़ा सा मुझे इनसे डर भी लग रहा है, अंदर छुप के बैठ गए। चलो निकले निकले निकले। ये रे जी, एक ये है एक ये, दूसरे निकलते तो बताता हूँ। ये देखें बहुत डर रहे हैं, बहुत क्यूट हैं, मासूम से हैं बिल्कुल एक ये है, इसको मैं इसमें छोड़ता हूँ। अच्छा और आ जाओ भाई, आप भी आ जाओ, आ जाओ आप भी आ जाओ। जरा एक ये है, ये मेल था, ठीक है, और ये एक फीमेल है। बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है, मुझे बहुत अच्छे लगे। और एक ये है, अच्छा ये भी आ रही है बाहर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक ये है और एक ये है दो फीमेल और एक मेल मैं ट्रायो लेकर आया हूँ और अपने पास रखूँगा। मज़ीद इनकी ब्रीड वगैरह होगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि ये जितने भी पेट्स हैं इन सब की मैं वीडियोज़ बनाता हूँ और अपने व्यूवर्स के लिए बनाता हूँ। तो इनको मैं पहले एक मिनट, क्या हुआ क्या हुआ, डर रही है, क्या हो गया बच्चा? अच्छा पहले तो इनको मैं इनकी कोई जगह बनाऊँ ना यहाँ पर। अब यहाँ भी मैं डर रहा हूँ कि यहाँ ओपन एरिया है, ओपन एरिया में होता यह है कि बाहर से कव्वे वगैरह आकर ना यहाँ से चोंचे मार के इनको मार सकते हैं। तो मैं इनके लिए और कोई बंद जगह देखता हूँ, तो किसी बंद जगह पर इसको एडजस्ट करता हूँ। कहाँ करूँ, मुझे एक चीज़ और समझ में आ रही है। अच्छा ये जो फीमेल है ना, ये वाली जो अंदर है, ये बहुत फ्रेंडली है, बहुत लॉयल है ये फीमेल। तो अच्छा रोशनी की ज़रूरत पड़ेगी भाई, ये फीमेल बहुत लॉयल है, ये इनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं दे सकती, बिल्कुल फ्रेंडली है फीमेल ये। तो इसके केज के ऊपर रख देता हूँ, क्या बोलते हो भाई? इसके केज के ऊपर इनको मैं एडजस्ट करता हूँ, ग्लास वगैरह हटाता हूँ। भाई ये यहाँ रहेंगे, ठीक है, ये इनका आज से घर है, यहीं से निकालेंगे, यहीं से इनको प्यार व्यार करेंगे, यहीं पर छोड़ेंगे ये फीमेल। अच्छा इसका केज यहाँ से ओपन रहता है, इसका ओपन रहता है, ये
यहीं पे आज़ाद रहती है। आओ यहाँ आओ, ये यहाँ पर आज़ाद रहती है, ये यहाँ खुली रहती है, यहाँ पर अपना घूमती फिरती रहेगी। इसका ब्रीड का टाइम है। अच्छा, जैसे ये ब्रीड से फारिग होगी तो ये अंदर चली जाएगी केनल में, इसके बाद फिर दूसरी कोई होगी प्रेग्नेंट तो वो यहाँ आ जाएगी। अच्छा, अंदर बनाने का मकसद ये है कि जिसका कि सर्दी का मौसम है इस वक्त, सर्दियाँ जैसे ही कम हो जाएंगी तो मैं फिर यहाँ इस जगह पर इसका केज बना दूंगा। तो अच्छा, एक और गेस्ट से मैंने आपको नहीं मिलवाया, जो कि न्यू इनके साथ आई थी, रशियन की फीमेल, आए उसको भी शिफ्ट करते हैं। अच्छा तो फ्रेंड्स, एक ये गेस्ट है तो इसको भी चल के डॉग्स में शिफ्ट करते हैं। चलें चलें जी, इसको भी शिफ्ट करते हैं अपने डॉग्स में। और ये एक क्यूट सी फीमेल मुझे नज़र आई थी, मैं लेकर आया हूँ, रशियन की फीमेल है, रशियन स्पिट की। अबे चल ले तू भी, मेरा कैमरा मैन ही थका हुआ यार, बहुत थका हुआ बंदा है तू यार, कसम से, जाने दे मुझे अंदर। चले जी, ये जो है इसको हम करते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक तो इसकी ये दोस्त है, ये देखें, एक इसकी ये फ्रेंड है, ये खुश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई है इसके लिए। पहले मैं इसके साथ छोड़ के देखता हूँ, लड़ते तो नहीं है, हटो हटो, लड़े ना तो फिर लड़ना नहीं, लड़े तो जूते पड़ने। चलो अंदर चलो, अबे यार ये बहुत एक्साइटेड हुई है, चलो अंदर चलो। बाहर वो जिनका बच्चा खड़ा हुआ है वो दिखा, बाहर ये जिनका बच्चा खड़ा हुआ है ये नुकसान पहुंचा देगा, इसको मजल नहीं पहनाया था और ये बाहर निकल रही थी। अच्छा, ये थोड़ी सी डर रही है थोड़ी सी इससे, लेकिन सेट हो जाएगी। शिडजू फीमेल, ठीक है, ये शिडजू हैं और ये रशियन की फीमेल्स हैं, और ये शिडजूज हैं, वो हस्की है, मजीद शेपर्ड हैं और बाकी हस्की तकरीबन सेल हो चुके हैं, तो इनको मैंने छोड़ दिया। ये काफ़ी डर रही है ये फीमेल इससे, नए हैं अभी, आज थोड़ी देर में इनकी दोस्ती हो जाएगी, हम खड़े हुए हैं यहाँ पर, उम्मीद करता हूँ कि दोस्ती हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आती रहे। इसी के साथ साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।